जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपके पर्स में ये एक चीज़ रहती है जो आपने भूल से रख ली है, तो आपका पर्स हम खाली हो जाएगा, यानी कि आपके पर्स में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको भूल से भी अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। ऐसा वास्तु के अनुसार बहुत ही खराब माना जाता है। इससे आपका पर्स हमेशा खाली बना रहेगा, आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। आज के ज़माने में हर व्यक्ति अपने जेब में एक पर्स वॉलेट जरूर रखता है। औरतों के हाथों में, लड़कियों के हाथों में या आपने पर्स जरूर देखा होगा। पर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपने पैसे, रुपये, थोड़े छोटे मोटे कागजात वगैरह रखते हैं और अपने ज़रूरतमंद के सामान रखते हैं। कई बार आपने लोगों से कहता भी सुना होगा कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर्स में आप यह चीज़ें रखने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? यदि आप इन चीज़ों को अपने पर्स में रखेंगे तो कभी भी आपका पर्स भरा नहीं रहेगा, हमेशा खाली रहेगा। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। वास्तुशास्त्र कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिनको पर्स से संबंधित माना गया है, यानी कि पर्स के साथ यदि इन चीज़ों को रखा जाए तो पर्स में कभी भी पैसा नहीं टिकता। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज़। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहली चीज़, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए। कई लोग अपने पर्स में खुली चाबी रख लेते हैं जिसमें छल्ला नहीं होता, और इससे आपके भविष्य में आर्थिक संकट का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स में कभी भी चाबियां ना रखें। दूसरा है, अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति पर्स में पैसों के साथ कई सारे कागजात, बिल वगैरह भी रख लेते हैं। लेकिन आप ऐसा भूल से भी ना करें, वरना आपका पर्स हमेशा खाली रहेगा। बस आपके पर्स में वही कागजात, बिल वगैरह पड़े रहेंगे, पैसा एक भी नहीं टिकेगा। इससे आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने पर्स में इन चीज़ों को भी ना रखें। तीसरी बात है, हमेशा अपने पर्स में पैसों को सीधा रखना चाहिए। लोग पैसा लेके टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा अपने पर्स में डाल लेते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए पर्स को संभाल के और पर्स के अंदर सीधा पैसे रखने चाहिए। अगला है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि अपने पास में वह अपने पूर्वजों की तस्वीर भी रख लेते हैं। वह पूर्वजों की तस्वीरों को अपने पर्स में डाल लेते हैं, वॉलेट में डाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति को सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ में धन की हानि भी होती है। अगली चीज़ है, यदि आप अपने पर्स में कुछ रखना ही चाहते हैं तो पर्स में साबुत, अक्षत यानी छोटे से थोड़े से कुछ दाने चावल के रख सकते हैं। आप इनको एक छोटे से लाल कपड़े में लपेट लें और अपने पर्स में रखें। इससे पर्स आप देखेंगे कभी भी खाली नहीं रहेगा, आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप अपने पर्स में एक छोटी सी माता लक्ष्मी की तस्वीर भी अवश्य रखें। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।